नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिवसेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम फिर से एक मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हुए हैं और इसमें हम बहुत सारी ट्रिक देखेंगे, बहुत सारी ट्रिक की चर्चा होएगी। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही एक ज़बरदस्त कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। तो इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कहता है कि 2x³ - 15x² + 36x + 4 वो मैक्सिमम होगा एक्स की कौन सी वैल्यू पे, तो वो हमें निकालना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम बनाने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर उसका उसको जीरो के बराबर रखते हैं। तो एफ एक्स को पहले, ये हम एफ एक्स लिख लिए यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करके अब जीरो के बराबर रखना है। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट किए, 2x³ का डिफरेंशिएशन हो गया 6x², 15x² का डिफरेंशिएशन हो गया 30x, और 36x का डिफरेंशिएशन 36, 4 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। ये आ गया आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू, ये आ गई आपकी। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिए 6 कॉमन लेके, तो ये हो गया x² - 5x + 6 = 0। और इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व किए और x की हमें दो वैल्यू मिल गई, 2 और 3। तो यानी x की दो वैल्यू पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम होगा किस पे और किस पे मिनिमम होगा। तो चलिए पहले ट्रिक नंबर 1 से चेक करते हैं। ट्रिक नंबर 1 जो मैंने आपको रिवीजन के टाइम में भी और क्लास लेने के समय भी कुछ लोगों को मैंने बताया था, सबसे पहले नंबर लाइन पे हम यहाँ पर 2 और 3 प्लॉट कर लेंगे। और हमारे पास अब एक 0 0 करके हम मानते थे और 0 0 को हम रखते थे एफ एक्स में, एफ डैश एक्स हमारा आया था 6x² - 30x + 36। और इसमें जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये 36 आएगा, यानी एफ डैश एक्स 0 पे पॉजिटिव आ रहा है। 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये मैंने बताया था कि अल्टरनेट आप पॉजिटिव, जैसे आपको कुछ मिलेगा उसके बाद आप अल्टरनेट वो साइन रखते चले जाएंगे, तो यानी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है। अब आपको पता है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव मिलता है, मतलब पॉजिटिव के बाद तुरंत निगेटिव मिलता है, वो होता है आपका मैक्सिमा। वो जो मैक्सिमा होता है ये मैंने इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। मान लीजिए ये ग्राफ है, पॉजिटिव का मतलब आपका स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक जगह मैक्सिमम हुआ और फिर आपका स्लोप निगेटिव हो गया। तो अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो मैक्सिमम पे पहुंच के ही निगेटिव होएगी, और फिर ऐसे निगेटिव आ रही है, फिर एक जगह पहुंच के फिर वो बढ़ने लगी। तो आप देख सकते हैं कि जब बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव के बाद अगर माइनस आएगा तभी आपका मैक्सिमम मिलेगा, और माइनस के बाद जब प्लस आएगा तो आपका वहाँ पर मिनिमम मिलेगा। तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि x = 2 एक मैक्सिमा का पॉइंट है। तो ये एक पहली ट्रिक थी जो आपको बहुत ही शॉर्टकट है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप तुरंत लाइन पे प्लॉट किया और आपने मैक्सिमा निकाल दिया। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके की ओर आते हैं। दूसरे तरीके में क्या है, हमें एफ डैश एक्स पता है 6x² - 30x + 36। इसको एक बार फिर से एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो आ गया 12x - 30। 12x - 30 हो गया, और जैसे ही एफ डैश एक्स में हम एक्स की वैल्यू 2 रखे तो ये निगेटिव आ गया। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि अगर एफ डबल डैश एक्स आपका लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो 2 पे ये निगेटिव आ रहा है, यानी ये 2 पे मैक्सिमा है। यहीं अगर हम 3 रखते तो 12 3 36 बनता, 36 - 36 आता, 6 0 से बड़ा होता, यानी वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता। तो इस तरह से एक इस तरीके से भी हम पता कर ले रहे हैं कि x = 2 पे मैक्सिमा है। एक और तरीका हो सकता है कि आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं x = 2 और x = 3, आप उन दोनों को एफ एक्स में पुट करें, यानी आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है, आप अपने ओरिजिनल फंक्शन में जैसे ही x = 2 पुट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 32, और x = 3 पुट करते हैं जब आप एफ एक्स में तो आपको वैल्यू मिलती है 31। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 32 जो है वो 31 से बड़ा है, यानी f2 जो 2 है उसे वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यानी 2 आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो इस तीन तरीके से मैंने आपको, तीन कंसेप्ट से आपको मैंने बताया कि कैसे आप निकाल सकते हो, यानी x = 2 पे आपका जो ये फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। तो इस तरह से तीन आपको ट्रिक बताई, होप आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगी होंगी, आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और आप इससे कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे इसमें से। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इंजॉयबल और बहुत ही नॉलेज वाली लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बहुत सारा इसको शेयर करें जिससे बहुत सारे लोग इसको जानें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम नए नए वीडियो ऐसे ही लाते रहें और आप कुछ ना कुछ उससे सीखते रहें और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।